नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। बरिया में अपराध के खिलाफ छात्र नेताओं ने बूट पॉलिश कर किया अनोखा प्रदर्शन। शहर के टीडी कॉलेज चौराहे पर बलिया में अपराध के खिलाफ छात्र नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान बलिया में बढ़ रहे अपराध का जिम्मेदार बलिया एसपी और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को ठहराते हुए लोगों का बूट पॉलिश किया। पूर्व छात्र नेता और पूर्वांचल छात्र समिति के संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह उप झुनू अपने दर्जन भर समर्थकों के साथ बूट पॉलिश करने टीडी कॉलेज के चौराहे पर बैठ गए। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने छात्र नेता से बूट पॉलिश कराया और बूट पॉलिश का पैसा दिया, जिसे घूस के रूप में डीएम के माध्यम से राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और एसपी को देने की बात कही। कहा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है। आरोप लगाते हुए कहा, घूस लेकर बलिया में रोज हत्या कराया जा रहा है और खुद ही हत्या करने की बात कही। कहा, यदि बलिया में अपराध नहीं रुका तो मैं अपना घर बेचकर घूस दूंगा, और अगर तब भी अपराध नहीं रुका तो आत्मदाह करूंगा। पेशे बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। मैं नागेंद्र बहादुर सिंह झुनू, शासन के पूर्व महामंत्री और प्रेसिडेंट, जिला पंचायत के सदस्य एवं जिला पंचायत संचालन समिति के सदस्य। आज किस तरीके का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं और प्रतीकात्मक क्या विरोध है आपका? बलिया में करीब 6 महीने से लगातार हत्याएं बढ़ गई, प्रतिदिन के हिसाब से एक मर्डर रोज हो रहा है। बलात्कार आप भी देख रहे हैं कि बलात्कार अमिताभ ठाकुर जी पूरे एसपी वहाँ पर लखनऊ में देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं देख पा रहे, उनके कहने से तैयार दर्ज हो रहा है। मैं करीब 3 माह से लगातार बोल रहा हूँ बलिया में हत्याएं रोकनी चाहिए, अपने फेसबुक आईडी से कागज के माध्यम से इकलिया में अपराध रुकना चाहिए, लेकिन अपराध रुक नहीं रहा है। नतीजा ये हुआ कि हमको धमकियां मिलने लगी हत्या के। जिस दिन अपने फेसबुक पे मैं बोला, उसके 10 घंटे के अंदर एक रिश्तेदार के लोग गाड़ी अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे, झुनू सिंह जान करके उनके परिवार के जानकर 3 में 4 बजे शाम को हमला हो गया। खासियत तो यह रहा कि मैं उस गाड़ी में था नहीं, रिवाल्वर और सामने हत्या करने के लिए बोला गया, मार दो चुनू। ये हालत है कि चिल्लाने पर मैं देखा कि हल्ला प्रदर्शन करने पर आवाज उठाने पर हत्या आवाज बंद करने के लिए हत्या की धमकी दिया जा रहा है, तो मैं सोचा कि नहीं, अब आवाज उठाना बंद करिए, असली हत्या बलिया में बंद कराना है तो पैसा देना है। मेरे पास पैसा है नहीं तो मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो जीवन में मैं आज तक कुछ नहीं किया था, मैं ये दिन भी नहीं देखना सोचा भी नहीं था, सपने में भी देखना पड़ेगा, तो मैं बूट पॉलिश करके माननीय मंत्री जी को डीएम साहब के माध्यम से दूंगा कि अपने ले लें, और हिस्सा जो आपको परसेंटेज देते होंगे कप्तान साहब को भी दे दें, जनपद में पैसा लीजिए, मैं बूट पॉलिश करके दूंगा, लेकिन हत्याएं बलिया में रुकना चाहिए। जनपद में आपका कौन कौन सा मंत्री पैसा लेता है? अब कौन लेता है नहीं, आनंद शुक्ला जी जब से आए हैं तब से हत्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चे, मतलब वो पैसा लेके हत्या कराते हैं। अब ये तो माने मतलब यही है, अपराध नहीं रुक रहा है तो उनके एबीवीपी का कार्यकर्ता चिल्ला रहा था, गुंगा दरोगा कह रहा है कि मैं पैसा देकर थाना में लिया हूँ, आप लोग सामने देखे होंगे जो चिल्ला का वो कोई एबीवीपी का कार्यकर्ता बोल रहा था अपना, मैं बोला और चिल्ला रहा था कि उसको पीटा जा रहा था। तो क्या ये बात जो है आप आगे मुख्यमंत्री तक एकदम पहुंचाएंगे? और ये माध्यम है पहुंचाने के लिए, आप पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार को दिन रात थाने कैंपस में मार दिया गया, पत्रकार की हत्या हुई, भाई बताइए। अब देखिए मैं इसके बाद अब नहीं सुना ये पैसा भेजवाऊंगा, नहीं होगा तो मेरे घर का जो हमारे नाम से जमीन है उसको रजिस्ट्री करके उनके खाते में पैसा भेजूंगा, और तभी अब हत्याएं नहीं रुकेगी तो मैं मंत्री जी के घर के सामने नहीं तो एसपी साहब के बंगले के सामने नहीं तो ऑफिस के सामने आत्मदाह कर दूंगा। हमको हत्या क्यों करेंगे? मेरी आवाज बंद करना है तो मैं उनके सामने आत्मदाह करूंगा।